हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं फ्रेंड्स, जिसमें मैं आपसे 10 लाख है आपके पास तो आपको 1 करोड़ कैसे कमा सकते हैं, ये वीडियो उसके बारे में है। और दूसरी बात के ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो के मिडिल से मैं आपको कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट करके दूंगा, जो अगर आप उसमें निवेश करेंगे तो आप आराम से अपना फाइनेंशियल गोल्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, और दूसरी बात कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है। क्या इतना आसान है कि हम 10 लाख से 1 करोड़ बना सकते? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 12% रिटर्न से CAGR कंपाउंड एनुअली रिटर्न बनाते हैं, एवरी ईयर 12% बनाते हैं, तब 21 ईयर्स बनेगा फ्रेंड्स आपको 1 करोड़ बनाने में। अगर आप 15 ईयर्स के साथ जाते हो तो आपको 17 ईयर्स बनेंगे 1 करोड़ बनाने के लिए। अगर आपसे 18% रिटर्न, जो कि बहुत बड़ा अच्छा रिटर्न है शेयर मार्केट में, तो 14 ईयर्स बनेंगे आपको 1 करोड़ बनाने में। अगर से आपको 20% एवरी ईयर आपने 20% रिटर्न बनाया तो आपको बनते हैं 13 ईयर्स। और अगर 25% बनाते हैं, वो मेरे राय में इम्पॉसिबल है, क्योंकि वॉरेन बफेट ने उनके 60 ईयर्स करियर में उन्होंने सिर्फ 21% बनाया है। सो 25% बनाना इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। सो अगर आप 25% बनाते हो तो आपको 11 ईयर्स बनेंगे 1 करोड़ बनाने। ये इसलिए दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको कुछ लोग होते हैं कि वो जल्दबाजी में पैसे बनाना चाहते हैं। सो पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, आपको पेशेंट रहना चाहिए, तभी आप पैसा बना सकते हो। अगर आप इनपेशेंट होते हो तो क्या होता है, अगर आपसे डेली डे ट्रेडिंग करते हो या फिर आप सब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, तो क्या होता है कि मार्केट क्या करता है, जो भी पेशेंट होते हैं उनको पैसा मिल जाता है, जो भी इनपेशेंट होते हैं उनको पूरा पैसा हो जाता है। वो क्या होता है कि उनका 10 लाख 1 लाख हो जाता है और फिर वो मार्केट से चले जाते हैं। ऐसा हमको नहीं है, हमको कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है। तो आपको अगर आपको बहुत ही अगर से मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, और मैं बताता हूँ कि शेयर मार्केट में पैसा बनाना हाईली इम्पॉसिबल है। अगर आपको पैसा बनाना है तो मेरी राय में आपको इफेक्टिव ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके इन्वेस्ट एंड फॉरगेट पॉलिसी को फॉलो करेंगे, तभी आपको पैसा बनेगा। सो आप कितना पैसा, ये मैंने आपको रिटर्न्स दिखा दिए। चलो मैं कुछ आपको अच्छा म्यूचुअल फंड्स दिखाता हूँ, जिसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आराम से आपको 10 या 15 साल में आपका फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट हो सकते हैं। पहला म्यूचुअल फंड है ये है HDFC स्मॉल कैप ग्रोथ फंड। सो अगर आप इसको आप खरीद सकते हो, ये अगर आपको आपके पास जीरोदा का अकाउंट नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं आपको जीरोदा का अकाउंट कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक्स URL का लिंक्स नहीं दे सकते हैं। सो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा कि आप जीरोदा का अकाउंट लीजिए, और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप वहाँ से आप रजिस्टर करेंगे तो भी। सिर्फ मैं आपको हेल्पिंग के लिए वो लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप जीरोदा का अकाउंट लेंगे तो आपको पहले से 25,000 रुपीज़ तक आपको कुछ भी चार्जेस नहीं लगेंगे। फिर अगर आपका पैसा 25,000 से ज़्यादा बढ़ता है तो आपको 50 रुपीज़ पर एवरी मंथ लगता है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। सो जीरोदा का अकाउंट भी अच्छा अकाउंट है, उसको भी आप लीजिए। सो HDFC स्मॉल कैप फंड ये कब लॉन्च हुआ था, 2008 में लॉन्च हुआ था, और इसने सिर्फ 14% रिटर्न, उतना कम रिटर्न है फंड, बहुत अच्छा रिटर्न है। फिर मैं दूसरा फंड है, ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है फ्रेंड्स, ये भी स्मॉल कैप का है, ये भी 2009 में लॉन्च हुआ था और इसने 18% रिटर्न दिया। ये बहुत शानदार फंड है, एक अभी बंद था, अभी दोबारा उन्होंने खोला, ये भी बहुत अच्छा फंड है, इसको भी आप पोर्टफोलियो में रखिए। सो दूसरा फंड है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ओल्ड फंड है,
ये फंड देखिए फ्रेंड्स, ये लॉन्च हुआ था 1993 में, तब तब से आपने 1 लाख इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता तो 1993 में अभी आपका पैसा बनते 88 लाख। तो ये इसने दिया है 19.66%। ये फंड भी आपके पोर्टफोलियो में रखिए, ये भी शानदार फंड है, फ्रैंकलिन का है, इसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, ये भी आपको पोर्टफोलियो में रखिए। सो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स दिए। सो जिसने भी यहाँ तक आप आए हैं तो आप मेरे जूनियर फॉलोअर हो, और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये किताब खरीदना पड़ेगा। ये कॉस्टली नहीं है फ्रेंड्स, ये सिर्फ 88 रुपीज़ का किताब है। इसमें आपको 108 क्वेश्चंस एंड आंसर्स और म्यूचुअल फंड्स एंड SIP है। इस किताब को आप जरूर खरीदिए, और ये सिर्फ 88 रुपीज़ है, और आपको जो भी डाउट्स है वो क्लैरिफाई होंगे। सो यही था फ्रेंड्स इस वीडियो में, एंड इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो वॉच करने के लिए। बाय फ्रेंड्स।